देखो बोर्ड रफ होने के बाद में अगला जो अंतर है वो देखेंगे हम डीएनए का प्रकार। तो देखो दूसरा अंतर है डीएनए का प्रकार। ठीक, डीएनए कैसा पाया जाता है? देखो जो यूकेरियोटिक सेल है उनमें जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड होता है एंड वो कैसा होता है? लीनियर। देखो कैसे, ये देखो आपने डीएनए के पहले ऐसे स्ट्रक्चर देखे होगी ना। देखो इसके दो स्टैंड है, एक ये और एक ये। ठीक, और कैसा दिख रहा है? ऐसे लीनियर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये इनका डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड ही होता है वैसे तो, लेकिन कैसा होता है वो? सर्कुलर, ऐसे ऐसे होता है इनका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर। ठीक है, तो ये डीएनए का प्रकार है। आगे डीएनए में और बात करें, इनका जो डीएनए उसमें जो एडिनिन और थाइमिन है उसकी मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, किसकी तुलना में? ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में। अभी ये बीच में क्या आ गया, एडिनिन और थाइमिन और ग्वानोसिन, ये एक का मतलब एडिनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन। देखो आपको अभी थोड़ा सा ये याद रखना है कि डीएनए में एडिनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमिन से। ग्वानोसिन किससे जुड़ा हो रहता है? साइटोसिन से। जिन्होंने देखो मॉलिकुलर बायोलॉजी पढ़ रखी है उनको तो चीज़ें पता होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये डीएनए, मान लो कि डीएनए तो ये एडिनिन है, तो ये इधर किससे जुड़ा रहेगा? थाइमिन से। कितने बॉन्ड से? दो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ग्वानोसिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ठीक, तो डीएनए में ये ऐसे सिस्टम होता है। तो एडेनिन और थाइमिन का मात्रा क्या होती है? ज्यादा, और ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है? कम, तुलनात्मक रूप से। अब देखो लेकिन यहां पर क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन की मात्रा तो क्या होती है? कम, और ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है? कम। अब जिसमें ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा कम है तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? कम, और यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा। इसका देखो मतलब मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने? तीन, और एडिनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है कितने? दो। तो जहां पर बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, ट्रिपल बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहां पर देखो ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा क्या है? कम, इस कारण का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, और यहाँ पर ग्वानोसिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा है, उनको तोड़ने के लिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा? ज्यादा। ठीक है, अब इनका जो बेस रेशियो है, बेस जो रेशियो है वो रहता है एक से ज्यादा, और इनका बेस रेशियो एक से, बेस रेशियो होता है एक से कम। फिर ये नई चीज आ गई, बेस रेशियो क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि आप ऊपरी ऊपर लिख लो इसको, कॉपी के ऊपरी ऊपर लिख लो कि बेस रेशियो किसको बोलते, एडिनिन प्लस थाइमिन बटे में ग्वानोसिन प्लस साइटोसिन। ये जो रेशियो है ना, इसके रेशियो क्या बोला जाता है? बेस रेशियो। अब देखो यूकेरियोटिक में क्या है, एडिनिन और थाइमिन की मात्रा क्या है? ज्यादा, तब उनमें बेस रेशियो क्या होगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बेस रेशियो एक से ज्यादा ही निकल करके आएगा, और इनमें देखो क्या, एडिनिन और थाइमिन की मात्रा क्या कम, इस कारण बेस रेशियो एक से कम। हमारा इतनी मैथ्स आपको आती होगी, ठीक है, अगर डिवाइड समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई भी नंबर लेके डिवाइड करके देख लेना उसको। ठीक है, ये तो बात हुई बेस रेशियो की। अब आगे बात है कि हिस्टोन इनके डीएनए में, हिस्टोन प्रोटीन ये क्या होती है? एक बेसिक प्रोटीन, क्षारीय प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब प्रोटीन है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रोटीन किससे मिलकर के बनी थी? अमीनो एसिड से। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है यहाँ पर दो प्रकार के अमीनो एसिड क्या होते हैं ज्यादा मात्रा में, कौन कौन से? लाइसिन और आर्जिनिन पाई जाती है, जिसमें जो कि लाइसिन तथा
आर्जिनिन प्रचुर होती है, लाइसिन और आर्जिनिन प्रचुर होती है, लेकिन इनके डीएनए में, इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं पाई जाती, लेकिन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पॉलीअमाइन, पॉलीअमाइन ये भी किसी होती है, बेसिक होती है नेचर में, सारी प्रकार की होती है बेसिक प्रोटीन पाई जाती है, जो कि जैसे वहां पर लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन अधिक मात्रा में ना, वैसे यहां पर क्या रहता है? ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड टायरोसिन, टायरोसिन जो कि ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन प्रचुर होती, ठीक है। तो ये स्टोन प्रोटीन की बात है भाई, स्टोन प्रोटीन और पॉलीअमाइन ये समझ में तो आ गया, लेकिन ये डीएनए में इनका काम क्या है? देखो मैं आपको इनका काम भी समझाता हूँ कि जो सेल है वो क्या होती है, माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है, सेल होती माइक्रोमीटर में। अब सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। अब सेल तो है माइक्रोमीटर में, लेकिन जो डीएनए उसकी लेंथ तो एक जो यूकेरियोटिक सेल है या ह्यूमन के डीए सेल के डीएनए की बात करें तो उसकी लेंथ होती है 2 मीटर। अब सेल तो कितनी? माइक्रोमीटर में, और डीएनए की लेंथ है मीटर में, तो वो जो डीएनए वो सेल के अंदर छोटी सेल में अरेंज कैसे रहता है? तो अरेंज करने का एक ही तरीका है, जैसे ऊन का जो गुच्छा होता है तो हम क्या करते हैं, बड़ी सी जो ऊन होती है उसको क्या करते हैं, लपेट करके छोटा सा बना लेते हैं उसको, ऐसे ही क्या कहते हैं डीएनए को, स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ऐसे लपेटा जाता है, जिससे जो लंबा डीएनए उसको कंडेंस करके छोटी सेल में क्या किया जा सके, अरेंज किया जा सके। तो यहाँ पर तो वो डीएनए किसके चारों तरफ लिपटा रहता है? स्टोन प्रोटीन के, लेकिन इनमें वो जो डीएनए है वो किसके चारों तरफ लिपटा रहेगा? पॉली अमाइन प्रोटीन के, क्लियर, ठीक है। तो भाई डी हिस्टोन प्रोटीन की बात हुई, इनका जो डीएनए, इनका डीएनए 10^9 बेस पेयर लंबा होता है, ठीक है। ये बेस पेयर क्या है? डीएनए की लेंथ को मेजर करने की क्या यूनिट है? बेस पेयर में आपको देखो यहां पर समझाता हूँ, ये देखो एक दिख रहा है नहीं आपको, ये किस लाइन की चीज दिख रही है, ये क्या है? बेस पेयर। इधर एडिनिन किससे जुड़ा हुआ है? थाइमिन से, और गुआनोसिन किससे जुड़ा हुआ है? साइटोसिन से। इनका डीएनए 10^6 बेस पेयर लंबा होता है, ठीक है, समझ में आया हो? तो ये डीएनए के प्रकार की बात है। तो देखिए, दो अंतर देखने के बाद जो हमारा तीसरा अंतर वो रहेगा डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा अंतर जो है वो है रेप्लिकेशन। अभी रेप्लिकेशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ जिसका नाम है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा जो वो एक साइंटिस्ट है क्रिक नाम के, तो क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया था? सेंट्रल डोगमा। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, तो डीएनए से जब डीएनए बनेगा तब इस प्रोसेस को बोला जाएगा रेप्लिकेशन। प्रोसेस को बोला जाएगा क्या? रेप्लिकेशन, ठीक है। और डीएनए से आरएनए जब बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा तब उसको बोला जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगी, आरएनए से अगर प्रोटीन बनेगी तो उसको बोला जाएगा ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तब तो उसको बोले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहे तो उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल डोगमा से। किस साइंटिस्ट ने बताया था? क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। हिंदी में बोला जाता है इसको आनुवांशिक सूचनाओं का केंद्रीय प्रवाह, ठीक है। अब आपको मैंने ये इसलिए बताया कि आपको ये इन शब्दों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या है, और ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये जो शब्द है अभी मैं आपको डिफरेंस में आएंगे तो इन शब्दों का आपको अगर मीनिंग पता होगा तभी तो आप इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो आप क्या करो,
इसको जो डिफरेंस में नोट मत करो इसको, ये जो लिखा है ना सेंट्रल डोगमा वाला का, तो इसको डिफरेंस में नोट मत करो, कॉपी के साइड में या कहीं पर ऊपर ऊपर इसको अलग से लिख लो, और डिफरेंस में फिर आप तीसरा डिफरेंस लिख करके चलो रेप्लीकेशन। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो देखिए रेप्लिकेशन का मीनिंग तो आप समझ भी गए, रेप्लिकेशन का मीनिंग है डीएनए से डीएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना। अब अगर यूकेरियोट्स में अगर डीएनए के हम फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं या फिर रेप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डीएनए के पास पहुंचना पड़ेगा हमको, कि जहां पर डीएनए प्रेजेंट है वहीं पर जाना पड़ेगा हमको। तो डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है, यूकेरियोट्स में, न्यूक्लियस से प्रेजेंट होता है, तो हमको डीएनए की फोटोकॉपी करने के लिए भी कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, न्यूक्लियस में। तो मतलब जहां पर ये जो रेप्लिकेशन चलेगी या प्रतिकृति जहां पर होगी डीएनए की, तो वो स्थल क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उनका डीएनए तो क्या है, साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, तो साइटोप्लाज्म में बिखरा रहेगा तो उसकी जो फोटोकॉपी है उसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस भी कहां पर चलेगी, साइटोप्लाज्म में। तो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन तो कहां पर होगा, न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो है रेप्लिकेशन कहां पर होगा, वो होगा साइटोप्लाज्म में। तो मैं यहां पर साइट लिख देता हूं, साइट यूकैरियोट्स में तो क्या है वो, न्यूक्लियस, ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में वो साइट क्या है, प्रोकैरियोट में साइट है वो साइटो प्लाज्म, समझ में आया। और आप यहां पर अगर यूज आने वाला एंजाइम की बात करें, एंजाइम कौन सा यूज होगा यहां पर, तो देखो डीएनए बना रहे हैं, डीएनए से डीएनए तो बना रहे हैं, तो एंजाइम तो यूज होगा वो कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज के भी फिर अलग अलग टाइप होते हैं, तो यहाँ पर यूकेरियोट्स में कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज आता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, लेकिन यहाँ पर कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। ये तो एंजाइम की बात होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मान लो डीएनए, ठीक है, 2 मीटर लंबा डीएनए, ह्यूमन की सेल के डीएनए की बात कर रहे हैं, तो 2 मीटर लंबा डीएनए, अब हमको इसकी फोटोकॉपी बनानी है, मतलब दूसरा डीएनए का जो थ्रेड है वो बनाना है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु से तो शुरुआत होगी ना, पूरे डीएनए की फोटोकॉपी करनी है हमको, तो किसी ना किसी बिंदु से तो शुरुआत होगी फोटोकॉपी करने की। तो जिस बिंदु से डीएनए की प्रतिकृतिकरण की शुरुआत होगी उस बिंदु को बोला जाता है ओराई, शॉर्ट में तो बोलते हैं ओराई, और इसकी फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओराई का मीनिंग क्या है, जिस बिंदु से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उस बिंदु को बोला जाता है ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यूकेरियोट्स में बात करें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है, ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है उनकी संख्या एक से ज्यादा होती है, मतलब जगह जगह पर क्या होंगे, यहाँ पर ओराई, जगह जगह पर क्या होंगे, ओराई। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है उनमें सिर्फ क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या होता है, ओनली एक, संख्या में एक ही ओराई होती है, तो उसी बिंदु से डीएनए की प्रतिकृतिकरण की क्या होगी, शुरुआत। तो ये हमने क्या हुआ, तीन डिफरेंस देख लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा तीनों के तीनों डिफरेंस। पहला डिफरेंस तो क्या था, जो मेजर डिफरेंस होता है यूकेरियोट्स और प्रोकेरियोटिक जो सेल है उसमें मेजर डिफरेंस किस बात का होता है, न्यूक्लियस का, कि यूकेरियोट, यू का मीनिंग ही क्या होता है, यू का मीनिंग होता है सत्य या एडवांस टाइप का, तो जो और कीरियो का मीनिंग क्या होता है, केंद्रक, तो यूकेरियोट्स में एडवांस टाइप का क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, जिसमें दोहरी झिल्ली द्वारा को क्या रहता है, घिरा रहता है, तो डीएनए जो वो अच्छी तरह से पैक है दोहरी झिल्ली नुमा जो न्यूक्लियस उसमें। लेकिन जो प्रोकैरियोट है, प्रो का मीनिंग ही क्या होता है, आदिम प्रकार के, प्राइमेटिव प्रकार के, अल्प विकसित, तो प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस वो कैसा होता है, अल्प विकसित होता है, उसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, उसका जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में ऐसे कैसे बिखरा रहता है, ठीक है। तो एडवांस टाइप की सेल कौन सी, यूकेरियोट्स, और जो कम एडवांस है जो मतलब जो पहले बनी थी इवोल्यूशन के दौरान पहले सेल कौन सी बनी थी, प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन उसमें आगे चल करके डेवलपमेंट होते गए और वो चल करके आगे उसमें कोशिका अंग आ गए, उसमें झिल्ली आ गई, ऐसे चल करके क्या बनी फिर वो यूकैरियोटिक
सेल। तो ये हमने क्या मेजर तीन डिफरेंस देख ली। तो आगे की वीडियो में हम आगे के डिफरेंस देखेंगे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।